तो गाइस देखिए, अभी ये मेरा भाई बैठा है पढ़ने के लिए, इंग्लिश मीडियम से है, मगर देखिए कितना इंग्लिश मीडियम है, लेकिन फिर भी दोस्तों देखिए हिंदी मीडियम का जो है रामशरण शर्मा लेकर के बैठा है ना। देखिए दिखाओ उसको, देखो ये इंग्लिश मीडियम का है, ठीक है। और वो देखिए, वो दिखाओ हिंदी मीडियम वाला, काहे लेके बैठा हिंदी मीडियम का ट्रांसलेट तो दोस्तों ऐसा नहीं है, देखिए इंग्लिश मीडियम रहते हैं बहुत कोई, मगर ऐसा ऐसा वर्ड भी होता है ना इंग्लिश में जिसको हिंदी में समझने में थोड़ा, फिर भी इंग्लिश जितना भी हो लेकिन हम हिंदी को जितना आसानी से पढ़ सकते हैं उतना इंग्लिश को उतना नहीं पढ़ सकते ना। हाँ, बट वही है कि ट्रांसलेशन के लिए देखिए ये भी इंग्लिश का हिंदी का रखा हुआ, और ये इसलिए हो जाता है क्योंकि दो स्टूडेंट या हिंदी मीडियम और इंग्लिश के लिए, तो इसको ट्रांसलेट का ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो कैसा लगता है पढ़ के, नया नया चीज़ जानने को मिलता है। और दोस्तों देखिए, मगर आप भी पढ़ रहे तो सुबह कोशिश कीजिए कम से कम 9 बजे तक या 8-9 बजे तक या 10 बजे तक आप नहा ले, फ्रेश हो ले, और उसके बाद देखिए ऐसे धूप में पढ़ने को बैठिए एकदम मस्त, ऐसे चेयर लगा करके धूप में हिस्ट्री, बोरिंग से भी बोरिंग चैप्टर आपको क्या बोले बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कीजिए, और धूप में अच्छा लगता है पढ़ने में ठंडा के दिन में, ठंडा का दिन में धूप ही। हाँ, तो देखिए बहुत अच्छा लगता है यार, आप लोग सुबह कम से कम 9-10 बजे तक फ्रेश नहा करके ऐसे धूप में बैठो, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, बट मैथ्स वगैरह मत पढ़ना, कोई पढ़ने वाला चीज पढ़ना, ठीक है। बाकी मैथ्स तो आप सामने भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, आप इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के हैं हमें कमेंट सेक्शन में तो जरूर बताइएगा, और क्या आप भी सुबह उठ के ऐसे ही पढ़ते हैं तो अच्छा रहेगा, पढ़िए है ना, तो अच्छा रहेगा आपके लिए सुबह उठ करके हिस्ट्री पढ़ना, मतलब कि समझ लो कि फ्रेश होकर के, तो बहुत अच्छा रहता है, माइंड में अच्छा जज होता है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको पढ़ने दीजिए।